जिला प्रशासन की ओर से आरा समेत भोजपुर के कई जगहों पर राहत आपदा शिविर का स्थापना किया गया है ताकि जरूरतमंद लोग इसमें रहने और खाने का निःशुल्क जो योजना है उसका लाभ उठा सके। बिया के कन्या मध्य विद्यालय में भी राहत आपदा शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें हर व्यवस्था के बावजूद भी अभी तक एक भी लोग इस राहत आपदा शिविर में रहने और खाने के लिए नहीं आए हैं और पूरे दिन कर्मचारी कर्मी जो है इंतजार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम भी किसी की सेवा कर सके। भोजपुर दर्शन की कैमरा टीम ने इसका अवलोकन किया। आइए देखते हैं कि क्या है यहाँ की व्यवस्था। जिला प्रशासन की ओर से आरा समेत भोजपुर के कई जगहों पर राहत आपदा शिविर का आयोजन किया गया है, व्यवस्था किया गया है ताकि लाचार गरीब और जरूरतमंद लोगों को भूखे न रहना पड़े। और इसी की सोच से बिहिया में भी राहत आपदा शिविर का आयोजन कन्या मध्य विद्यालय में किया गया है। लेकिन कन्या मध्य विद्यालय में इस व्यवस्था क्या है, भोजपुर दर्शन के कैमरा टीम ने जाकर इसका निरीक्षण किया, भ्रमण किया। देखिए कि किस प्रकार की कन्या उच्च विद्यालय बिहिया में यह राहत आपदा शिविर का व्यवस्था है। वैसे यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि यह आपदा राहत आपदा शिविर जिसमें अभी तक एक भी लोग रहने और ना ही खाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से रहने और खाने का मुफ्त निःशुल्क योजना बनाई गई है, व्यवस्था किया गया है जिसको लेकर हर कर्मचारी और सारा सामग्री भी उपलब्ध होने के बाद भी इस जरूरतमंद अभी तक एक भी नहीं आए हैं। इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गरीब और लाचार जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सके। सुनिए यहाँ के कन्या मध्य विद्यालय बिहिया में आयोजित राहत सामग्री का जो शिविर लगाई गई है इसके कर्मचारी का कहना क्या है। आलू बनू 200 को माचिस है माचिस तेल बा दाल रहर के हो काकी दा चना दाल चावल बा आओ फुटला को भी माचिस अभी माचिस मत मारिए रुक जाइए अभी गैस भैया के निकल जाओ। केवल चावल ही है, दाल मसाला वसाला नहीं? इधर सामने देखिए, गैस भी नहीं है, सिलेंडर सिलेंडर और आई है और वो घर में सिलेंडर कहाँ है, चूल्हा है सिलेंडर सिलेंडर वो रुमाल हुई वो खाली हुई ठीक है। बाहरी लोग जो फंसे हुए उनके लिए आपदा किचन की व्यवस्था किया गया कन्या मध्य विद्यालय में, लेकिन अभी तक चालू उसके लिए क्या कहेंगे? राज्य सरकार द्वारा और जिलाधिकारी द्वारा 28 तारीख से कन्या मध्य विद्यालय में चालू करने का योजना प्रारंभ किया गया था, बाकी नहीं चालू किया गया। जो भी एक हम लोग दो दिन पहले पेपर में पढ़े अलीगढ़ से दो आदमी आए हुए हैं, एक तो थाना में शरण मांग के लिए थाना भगा दिया गया, और दूसरी बात है कि हम लोग गए तो वहाँ पर घटिया चावल बनाया जा रहा है और चोखा दिया जा रहा है, हरा सब्जी उसमें गायब है। आज से चालू किया, आज से चालू किया गया जो 28 तक से चालू करना था, दो दिन से लेट किया जा रहा है। और इधर से भी बहुत आदमी आए हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको आपातकालीन में 28 तक चालू करने का आदेश दिया गया था जो अभी तो चालू नहीं हुआ। और इसके लिए हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी चाहे सीओ साहब हो चाहे थाना प्रभारी हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश मिला है चालू करने के लिए। और जो आज चालू भी किया गया है, चावल का इतना घटिया क्वांटिटी है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हम लोग जिलाधिकारी से मांग करेंगे और राज्य सरकार से मांग करेंगे हम लोग की बढ़िया क्वालिटी दिया जाए ताकि गरीबों को न्याय मिले
जो भी इसमें लूट खसोट करेगा उसकी जांच के अगर कानूनी कार्रवाई की जाए। परिचय बताइए। रविंद्र प्रसाद, लोक जनशक्ति पार्टी, जिला महासचिव। प्रभारी, आपको भी यहाँ क्या क्या जिम्मा दिया गया है? ये हमारे जिम्मे था कि यहाँ रसोईया विद्यालय की उपस्थित होनी चाहिए, बर्तन, चूल्हा और जो भी व्यवस्था स्कूल की तरफ से दरी है, रूम है, सब हम लोग यहाँ लगवा दिए हैं, सब कुछ व्यवस्था। बाकी कोई भी व्यक्ति अभी तक आया नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए। कैसे लोगों की व्यवस्था की गई है यहाँ पे? चिट्ठी के अनुसार तो यही है कि जो अत्यंत ही निर्धन है, ये निराश्रित हैं, उनके लिए यहाँ व्यवस्था किया जाना है। जो SDO साहब का चिट्ठी है उसके एलोक में तो यही है। जो खाएगा उसको यहीं पे 14 दिन रुकना होगा, उसमें आवासन का भी लिखा हुआ है। तो आवासन इन द सेंस कि अगर कोई व्यक्ति रहेगा वो खाएगा, हमको तो यही होता है प्रतीत। लेकिन अभी तक एक ही व्यक्ति आया हुआ है जो कि बंगाल से है, कोई लेबर है जो कि यहाँ बिहिया में कहीं काम कर रहा था, अभी वो आया है कि मेरा काम बंद हो गया है। तो हम लोग बोलेंगे रहिए आप यहीं पे, आप रहिए। कितने तारीख से यहाँ पे चालू करने के आदेश मिला? आज पहली बार एक आदमी यहाँ पर आया हुआ है रहने के लिए, अभी तक तो एक भी लोग नहीं आया। लेटर में कब से था इसको चालू करने के लिए? लेटर में तो परसों से ही था कि व्यवस्था करना है, लेकिन हम जिस दिन से यहाँ हैं उपस्थित परसों से एक भी लोग नहीं आए। रिपोर्ट सुन गया है? हाँ, रिपोर्ट अभी तो सुन गया है। आज 30 तारीख है, पहला एक केस आया है। बन रहा है आज हमारे यहाँ। क्या क्या बन रहे हैं? चावल, दाल और सब्जी का ये है। चावल भी है जो आदमी आ रहे हैं अभी, कुछ लोग वीडियो साहब बोले कि और 8-10 लोग आने वाले हैं, आ जाते हैं तो व्यवस्था उनके ये अनुकूल। चावल के किन के द्वारा यहाँ पे लाया गया? चावल वीडियो साहब के द्वारा ये मंगाया गया था। क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है? क्वालिटी गोदाम से जो चावल मिलता है वही मंगाया गया है। ठीक, नाम आपने? जी, मेरा हितेश कुमार नाम हुआ। कहाँ से हैं आप? बंगाल से। कितना दिन पहले आए हैं? 20 तारीख को आया था काम करने के लिए, लेबर का। आके ट्रेन बंद हो गया तो कुछ रूम वूम नहीं मिला, खाने का भी इतना दिन से नहीं मिल रहा था। तो आदमी से हम पूछपाछ किया क्या कुछ करना है, तो बोला वहाँ पर जाए स्कूल में। कल भी यहाँ पे आए थे? कल भी आए थे। कल आकर क्यों लौट गए? कोई व्यवस्था नहीं किया गया? कोई व्यवस्था नहीं था, शाम को टाइम था उस टाइम। कौन बोला यहाँ से कि कोई व्यवस्था नहीं है? आदमी बोल रहा था, 3-4 को लड़का आया था साथ में, बताया यहीं पर व्यवस्था है। तो हम बोले ठीक है, अभी तो बंद है, बोले सुबह आना। शाम में बंद हो गया? तो कितने बजे आए थे? कम से कम 6:30 बजे। 6:30 बजे तो यहाँ कोई नहीं दिखा? कोई नहीं। क्या नाम हुआ आपका? शेख वसीम। नगर के कन्या मध्य विद्यालय में जो बाहरी लोग आए उनके खाने पीने की व्यवस्था किया जा रहा, किस प्रकार का यहाँ व्यवस्था है? अभी तो देखने से ऐसा कोई व्यवस्था प्रतीत नहीं हो रहा है, और पदाधिकारी लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों को खाना खिलाना है जो बाहर से आए हैं। कैसा तो एक व्यक्ति अभी नज़र आया है, और अलग अलग पदाधिकारी अपना अलग अलग बयान दे रहे हैं, एक दूसरे पर थोपा थोपी वाला जो व्यवस्था है इस तरह का लोग कर रहे हैं। क्या वैसे क्या हमारे नगर पंचायत में कार्डधारी जितने भी हैं BPL परिवार के, उसके अलावे भी बिना कार्ड वाले भी जो व्यक्ति हैं, किराए पर रहते हैं, उनका कार्ड भी नहीं है और उनकी स्थिति आज दयनीय हो चुकी है। भोजन के लिए दर दर ठोकरें खाने पड़ रही है। ऐसे लोग हमारे दरवाजे पर सुबह 10 से 15 लोग पहुंच जाते हैं। तो मार्केटिंग अफसर जो है को आरती कुमारी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कन्या मध्य विद्यालय में ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, उसके निरीक्षण के लिए हमने आया तो यहाँ उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ MDM प्रभारी कोई है, वो बोल रहे हैं कि हमको इस तरह का कोई निर्देश नहीं है, हमको ऐसे लोगों के लिए कोई सूचना नहीं है और यहाँ किस कोई भी व्यवस्था नहीं। कितने तारीख से चल रही है ये? तो आज तक तो कोई अभी चालू ही नहीं हुआ है, अभी मैं बैठा हूँ, अभी तक तो कोई चालू नहीं। 30 तारीख तक मतलब आज चालू हुआ हो रहा है, अभी बन रहा है खाना? तो वो तो पहले से 28 या 27 तारीख से हमको एक चिट्ठी मिली थी कि चालू करना है, लेकिन आज तो हम आए तो अभी तो चूल्हा तक अभी नहीं जुड़ा गया है। क्या क्या आया है सामान में? सामान में वो चावल है जो भी उसका गुणवत्तापूर्ण चावल नहीं है, दाल है, चना का तेल है, मसाला। तत्काल में कोई स्कूल से चावल मंगाया गया है? अब तो ये तो हम उसकी पूरी गारंटी नहीं दे सकते हैं। जो चावल है किस तरह का है देखे हैं जो? वो तो बोल रहे क्या कि गुणवत्तापूर्ण नहीं है। और क्या है सब्जी उब्जी की व्यवस्था? सब्जी में आलू है बस, केवल आलू।